So I want to bring a challenge to every one of us tonight. और आप में से हर एक इंसान के लिए मैं एक चुनौती लेकर आना चाहता हूँ. Because how we live our lives now. और जिस तरह से हम अपने जीवन को आज जीते हैं. Can have eternal consequences. और इसका एक नतीजा जो है वो सदा के जीवन के लिए है. We all know the story of Christmas, I guess. और हम में से हर एक इंसान को क्रिसमस की कहानी मालूम है. But I want to speak tonight about one particular part of that story. लेकिन आज मैं उस कहानी के एक खास हिस्से पर गौर करने वाला हूँ. I want to speak about the star of Bethlehem. और मैं आज उस तारे के बारे में बात करूंगा जो कि बेथलेहम का तारा है. Most Christmas trees have a star on the top. और हम देखते हैं कि जब क्रिसमस ट्री लगाए जाते हैं उन पर एक तारा जो है वो लगाया जाता है. But many people I've asked who are not Christians, I've said, why did you put a star on the top of your Christmas tree? They said. और वो लोग जो कि मसीही नहीं है, जब मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ कि आपने अपने घर पे क्रिसमस ट्री तो लगाया है लेकिन इसके ऊपर जो तारा लगाया है इसका मतलब क्या है? So if you have a Bible, we're going to turn to Matthew's Gospel and the second chapter. और अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो हम पढ़ेंगे मत्ती के अंजील उसका दो अध्याय. And we're looking at verses 1 to 10. और हम एक से लेकर दस आयत पर गौर करेंगे. हेरोदेस राजा के दिनों में यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ. तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रमाण करने के लिए प्रणाम करने के लिए आए हैं. ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया. तब उसने लोगों से सब प्रधान याजकों और शास्त्रों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म होने कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा का अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा. तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे कहा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया है, और उसने ये कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठाक मालूम करो और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं. वह राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनको आगे आगे ले गया और जहां बालक था और जगह के ऊपर पहुंचाकर ठहर गया. उस तारे को देखकर वह अति आनंदित हुए. आमीन. Now quite a few of my friends have joined us on my live stream and they didn't understand a word of that. So I'm just going to read two verses which will introduce what I want to share tonight, and I'm going to read this in English. After Jesus was born in Bethlehem in Judea during the time of King Herod, wise men from the east came to Jerusalem and asked, where is the one who has been born King of the Jews? We have seen his star in the east and have come to worship him. There was something about that star that told those wise men Jesus had been born. How did they know that? That's the question. और उन्हें ये किस तरह से मालूम चला था? सवाल तो ये है. Because the Bible says they saw the star, they followed the star, and the star stopped right above where Jesus had been born. और हम देखते हैं कि बाइबल हमें बताती है कि उन्होंने तारे को देखा और वो तारे का पीछा करते करते उस जगह पर पहुंच गए जहां पर यीशु का जन्म हुआ था. लेकिन ये किस तरह से सब कुछ मुमकिन हुआ? Now every time you pull a Christmas cracker, and you will pull a few Christmas crackers, something pops out. और जब भी आप अपने घर पर क्रिसमस क्रैकर को उसे खोलते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ बाहर आता है. The first thing that pops out is a stupid joke. और सबसे पहली चीज जो कि बाहर आती है वो एक बहुत ही अजीब सा मजाक है. And if you laugh at the joke in a Christmas cracker, I suggest you come out for prayer because there's something wrong with you. और अगर उस जोक को सुनकर आपको हंसी आती है तो मैं आपको कहता हूँ कि आप दुआ करने के लिए आए क्योंकि वो बिल्कुल भी हंसाने वाला नहीं है. Whoever writes those jokes, I would like to talk to them because I've never laughed at one yet. और हमने कभी भी इस तरह का जोक नहीं सुना जो कि सुनकर हम बहुत ज्यादा उसे हम कहें कि बहुत ही मजाकिया है. But something else pops out of the Christmas cracker. लेकिन उस क्रिसमस क्रैकर के अंदर से कुछ और भी निकलता है. And it's a funny hat.
और एक बहुत ही अजीब से दिखने वाली हैट होती है. And we all look so stupid when we put on these funny hats. और हम सब बहुत ही अजीब दिखते हैं जब हम इन हैट्स को पहनते हैं. But you can't eat your Christmas dinner without wearing that funny hat. और आप अपने क्रिसमस डिनर को तब तक नहीं खा सकते जब तक आप उस फनी हैट को ना पहने. What's that hat all about? और जब वो हैट जो है उसके बारे में हम क्या सोचते हैं? Well, the hat is supposed to represent a crown. और जो हैट हम पहनते हैं क्रिसमस डिनर के टाइम पर वो एक ताश को दर्शाता है. And the crown reminds us of the wise men. और जो क्राउन है जो ताज है वो हमें उन तीन मजूसियों के बारे में याद दिलाता है. So it doesn't matter where you look, on the top of the Christmas tree or inside the Christmas cracker. और ये जरूरी नहीं कि आप कहाँ देखते हैं, चाहे आप क्रिसमस के ऊपर लगे हुए तारे की तरफ देखते हैं या फिर उस क्रिसमस क्रैकर को खोलते हैं. You can't get away from the wise men. आप उन तीन मजूसियों से पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं. One of the things I love to do is to look up in the sky on a clear night. और एक चीज जो कि मुझे करना बहुत अच्छा लगता है कि जब बहुत ही क्लियर स्काई होता है तो मैं तारों को देखना पसंद करता हूँ. And 1000 years before Jesus was born, David the psalmist looked up into the sky. और 1000 वर्ष पहले जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ था तो दाऊद ने जो है उन तारों की तरफ देखा. He said, "When I consider the heavens, the work of your hands." और उसने कहा कि जब मैं तेरे हाथों की कारीगरी को देखता हूँ. The sun, the moon, the stars. और उसने कहा कि उन सूरज, चांद और सितारों की तरफ जब मैं देखता हूँ. What is man that God should be mindful of us? और इंसान क्या है कि वो परमेश्वर इतना महान है जो कि हमारे बारे में सोचता है. We live in what's known as a galaxy. और हम एक ऐसी जगह पर रहते हैं जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं. Our galaxy is called the Milky Way. और हमारी गैलेक्सी का नाम जो है वो मिल्की वे है. In the Milky Way, there's 300 billion stars. और मिल्की वे के अंदर जो है 300 billion stars हैं. You couldn't count all those if you tried. और अगर आप कोशिश भी करें तो आप उन्हें गिन नहीं सकते. But there's 100 billion galaxies. लेकिन 100 billion galaxies ऐसी हैं. So how big must God be to create all that? और सोचिएगा कि हमारा प्रभु कितना महान और कितना बड़ा है जिसने इस सब कारीगरी को करा है, जिसने इस पूरी दुनिया को रचा है. Light traveling from those stars travels at 176,000 miles a second. और हम देखते हैं कि जो लाइट जो इन तारों से निकलती है वो कितनी तेज रफ्तार में निकलती है, जो कि मीलों की दूरी से निकलती है. And some of those stars are so far away the light has not even reached us yet. It's amazing. और वो इतनी दूर है तारे कि वो लाइट जो है वो हम तक पहुंच भी नहीं पाती है. In the beginning, God created the heavens and the earth. और आदि में परमेश्वर ने जो है एक ऐसी धरती को बनाया जिसने उसने वहाँ पर सूरज, चांद, सितारे बनाए हैं. This is how amazing God is. और इतना हमारा प्रभु महान है. On the fourth day of creation, He created the sun, the moon, and the stars to give us night and day. And seasons, that's what the Bible says. और चौथे दिन प्रभु ने सूरज, चांद, सितारे बनाए और उसने सीजन्स हमारे लिए बनाए हैं. What's that? Ding dong merrily on high, in heaven the bells are. God created on the fourth day of creation, sun, moon and stars to give us days, nights and seasons. और हम देखते हैं कि चौथे दिन प्रभु ने सूरज, चांद, सितारे बनाए और उसने सीजन्स बनाए हमारे लिए. How many seasons are there in a year? और एक साल में कितने सीजन्स होते हैं? Say that louder. Four. God created the seasons, four seasons on the fourth day. That's how incredible God is. और उसने चार सीजन्स जो है वो चार चौथे दिन बनाए और हमारा प्रभु इतना महान है. And He made His creation so ordered that scientists can know exactly what is going on in this incredible universe. और उसने इस पूरे ब्रह्मांड को इतनी खूबसूरती से बनाया कि साइंटिस्ट भी देख सकते हैं कि कैसे कहां पर क्या करना है. The sun is 8 times bigger than the moon. और जो सूरज जो है वो 8 गुना बड़ा है और हम देखते हैं कि ये चांद से बड़ा है. So how does the moon seem to be the same size as the sun? और फिर जो मून है वो किस तरह से सूरज के जितना हो सकता है? Because the sun is 8 times further from the earth than the moon. How amazing is that? और आप देखिएगा कि सूरज जो है वो 8 गुना चंद्रमा से बड़ा है. I don't know about your God, but my God's amazing. मुझे नहीं मालूम कि आपका खुदा कैसा है, कि मेरा खुदा तो बहुत महान है. And these wise men that came following that star, they knew they were following something that was amazing.
और जब ये मजूसी जो है ये तारे का पीछा करते करते वहां पर पहुंचे जहां खुदावंद यीशु मसीह का जन्म हुआ था, उन्हें मालूम था कि वो किसी ऐसी चीज का पीछा करें जो कि बहुत ही महान है। Hundreds of thousands of billions of stars in the sky, but one star stood out. और देखिएगा कि कितने ज्यादा बिलियंस की कागार पर सितारे थे, लेकिन एक ऐसा तारा था जो कि वहां पर सिर्फ उनके लिए था। That's why the wise men said, "Where is he? Born King of the Jews, we have seen his star. How did they know it was his star?" और हम देखते हैं कि इसीलिए उन्होंने यहाँ पर कहा था कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? I'm going to tell you something that's amazing. और मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहता हूँ जो कि वाकई में बहुत महान है। Because 500 years before Jesus was born. और 500 साल पहले जब खुदावंद यीशु मसीह का जन्म हुआ। And we've studied this in our Bible class in Sanctuary Church. और सैंक्चुअरी चर्च में हमने अपनी बाइबल क्लास में से पढ़ा भी है। A young man by the name of Daniel was taken as captive into Babylon. और हम देखते हैं कि एक जवान आदमी जिसका नाम डैनियल था जो कि बेबीलोन में जो है उसे बंदी गृह में रखा गया था। He didn't want to go there. और वो नहीं चाहता था कि वो वहां पर जाए। But it was God's plan. लेकिन वो प्रभु का एक प्लान था। Very often God's plan for your life is not what you want. और ज्यादातर खुदावंद का प्लान आपके जीवन के लिए वो नहीं होता जो कि आप सोचते हैं। We decide what we want and then we ask God to bless it. और हम सोच लेते हैं कि हमें ये चाहिए और फिर हम कहते हैं कि प्रभु इसे पूरा कर दे। Jesus did not want to die on the cross. प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता था कि वो क्रूस पे मर जाए। He prayed in the garden, if it's possible, Father God, take this away. और उसने वहां पर उस अदन की वाटिका में प्रार्थना भी करी थी कि अगर ये मुमकिन है मेरे बाप तो ये प्याला मुझसे ले ले। But not my will, your will be done. लेकिन उसने कहा था कि मेरी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। Let me tell you, a true Christian isn't somebody that comes to church. और एक सच्चा मसीही वो नहीं है जो कि चर्च आए Or sings the songs. या फिर आकर यहाँ पर गीत गाए। A true Christian is someone who does what God wants them to do. और एक सच्चा मसीही वो है जो कि वो करता है जो कि प्रभु उसके जीवन में चाहता है। Even if it isn't what they want to do. और यहाँ तक कि जो कि उनकी मर्जी के बिल्कुल खिलाफ है वो भी करने के लिए वो तैयार हो। Who can pray the prayer that Jesus prayed, not my will, your will be done. और जो कि वो प्रार्थना करने के लिए तैयार है कि मेरी नहीं खुदावन बल्कि तेरी मर्जी पूरी। So Daniel did not want to go to Babylon. और डैनियल जो है वो नहीं चाहता था कि वो बेबीलोन में चला जाए। He was captured and taken there as a captive. और उसे वहां पर उन्होंने पकड़ लिया था और उसे जेल में डालने के लिए बंदी गृह कर उसे वहां पर लेकर गए थे। But God had a plan. लेकिन प्रभु की एक योजना थी। God's got a plan for your life. प्रभु की एक योजना आपके जीवन के लिए भी है। Which doesn't just affect today or tomorrow, but can affect the whole of eternity. How amazing is that plan? और सोचेगा कि वो प्लान कितना अमेजिंग है जो कि आपके जीवन के लिए है। The king Nebuchadnezzar had a dream. और नेबुकदनेस्सर जो है उसको एक स्वप्न आया। And he couldn't understand what the dream meant. और उसे नहीं पता था कि वो सपना क्या है। He saw a man made of different metals, gold and silver, bronze and iron. What does that mean? और उसने एक ऐसे आदमी को देखा जो कि वहां पर बनाया गया था ब्रॉन्ज के साथ, सिल्वर के साथ, मेटल के साथ, और उसे सोचा कि ये क्या है? Nobody could tell him. और कोई भी ऐसा नहीं था जो कि उसे बता सकता है। But a young boy called Daniel. लेकिन एक जवान लड़का जिसका नाम डैनियल है। Had a vision from God. उसे एक दर्शन मिला था जो कि खुदा की तरफ से है। God told him what the dream meant. और खुदावन ने उसे बता दिया था कि उस सपने का मतलब क्या है। He goes to the king. You imagine and says, King, I can tell you what the dream was and I can tell you what the dream means. और उसने जाकर उस राजा को कहा कि मैं आपको बता सकता हूँ कि ये सपना जो है इसका मतलब क्या है और ये दर्शन किस तरह से मिला है। And the king asked him, How can you tell me that? और राजा ने कहा कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? He says, Because my God has told me that. उसने कहा क्योंकि मेरे खुदा ने मुझे बता दिया है कि ये क्या है। He explains to all the wise men. वो सारे के सारे जितने भी मजूसी हैं या लोग जो कि अकलमंद हैं उन्हें बताता है। What that dream meant. उसका मतलब क्या है? And as a result of that, और इसके नतीजे के कारण he gained great favor with the king. और उसे उस राजा से बहुत बड़ा एक उपकार मिला। But he also, watch this, this is so important. Daniel gained great favor with all the wise men that were living in the east where he was taken captive. और डैनियल जो है उसे बहुत ज्यादा एक फेवर मिला उन लोगों के द्वारा जो कि वहां पर रहते थे और बहुत ही अकलमंद और बुद्धिमान व्यक्ति थे। So Daniel opened up the scriptures and started showing those wise men 500 years before Jesus was born prophecies in the Bible.
और डैनियल ने अपनी बाइबल को खोला और उन लोगों को जो है वो भविष्यवाणियां बतानी शुरू करी जो कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले की थी. I'll just give you one of them from the book of Numbers. और मैं आपको उनमें से एक बताना चाहूंगा जो कि गिनती की किताब से है. The Bible says, I see him, but not now. So this was something in the future. और लिखा गया है कि मैं उसे देखता हूं जो कि अब नहीं बल्कि बाद में होगा. I behold him, but not near. They're going to have to travel. उसने कहा कि मैं चाहता तो हूं कि मेरे करीब रहे लेकिन अभी नहीं उन्हें ट्रैवल करना पड़ेगा. A star will come out of Israel. और एक तारा जो है वो इज़राइल से आएगा. And a scepter is the symbol of a king. A scepter will rise out of Israel. उसने कहा कि एक राजा जो है जिसका जन्म होगा इज़राइल से. So Daniel started teaching those wise men that the day would come when a star would shine and would bring people to a newborn king. और डैनियल ने पहले ही लोगों को ये बताना शुरू कर दिया था, भविष्यवाणियां देनी शुरू कर दी थी कि एक ऐसा समय भी आएगा जब एक राजा का जन्म होगा और वो तारे के द्वारा मुमकिन होगा कि उसके जन्म के बारे में लोगों को पता चलेगा. That was 500 years before Jesus was born. और ये 500 वर्ष पहले था प्रभु यीशु मसीह के जन्म से. But those wise men would tell the next generation of wise men, like we teach our children the things of God, and they teach their children. और इसी तरह से जिस तरह से हम अपने बच्चों को चीजें सिखाते हैं और फिर वो हम आगे से आगे अच्छी चीजें पास करते हैं. With the children in this church, I tell them that I'm their spiritual granddad and I teach them what my granddad taught me. और जिस तरह से इस चर्च के बच्चों को मैं कहता हूँ कि आत्मिक तौर पर मैं आपका दादा हूँ और जो मेरे दादाजी ने चीजें मुझे सिखाई है वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ. So watch this. इसीलिए सोचिएगा इसके बारे में. One generation followed by another generation followed by another generation of wise men, all of them reading the scriptures because Daniel had been taken by God into that area. और इसी तरह से हम देखते हैं कि एक जेनरेशन के बाद दूसरी जेनरेशन और इसी के बाद जेनरेशन टू जेनरेशन जो है वो सीख पा रहे थे जो कि डैनियल ने लोगों को सिखाना शुरू करा था. For 500 years the wise men are looking for a star. और 500 साल तक वो मजूसी जो हैं वो तारे को पहचान रहे हैं. They must have felt pretty excited when they looked up one night and saw the star they'd been waiting for 500 years. और एकदम से वो देखते हैं कि वो तारे जिसका वो इंतजार कर रहे थे 500 साल तक वो अब आ गया है. Could you imagine that? और सोचिएगा कि आप इसके बारे में. Once they saw it, they were not going to take their eyes off it. They followed it. और जब एक बार उन्हें पता चल गया था तो फिर वो अपनी आंखों को उससे नहीं हटाना चाहते थे और उन्होंने सोचा कि अब वो मुमकिन हो गया है जो कि प्रभु की तरफ से था. Until it came and stopped over the very place where Jesus had been born. और वो आकर उस जगह पर रुक गया तारा जहां पर खुदावन यीशु मसीह का जन्म होना था. That's a miracle. और ये एक चमत्कार है. It's a miracle that the star moved. It's a miracle that the star moved right above where Jesus was. It's a miracle which God had prepared them for 500 years before. और ये एक चमत्कार था कि किस तरह से वो तारा जो है वो उस जगह पर आकर रुक गया जहां पर खुदावन यीशु मसीह का जन्म हुआ था और किस तरह से 500 साल तक वो इसका इंतजार करते रहे और फिर उसके बाद वो मुमकिन हुआ. And it was because a young man called Daniel went somewhere God wanted him to go, but he didn't want to be there. और ये सब कुछ इस तरह से मुमकिन हुआ क्योंकि एक जवान व्यक्ति जिसका नाम डैनियल था उसे खुदावन ने एक ऐसी जगह पर लेकर गया जहां पर वो जाने के लिए तैयार नहीं था लेकिन वो खुदावन की योजना थी. Decisions we make today, जो भी फैसले हम अपने जीवन के लिए लेते हैं, can affect us 1,000 years from now. और वो आने वाले 1,000 साल के बाद भी हम पर असर डालते हैं. For all eternity. और वो पूरी की पूरी कायनात तक हम पर असर डालते हैं. If you receive Christ as your Savior, that decision has an effect that has eternal consequences. और अगर आप खुदावन यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मानते हैं तो इसका नतीजा जो है वो आपके जीवन में आने वाले जीवन तक भी पता चलेगा. But if you reject Christ as your Savior, और अगर आप उसे रिजेक्ट करते हैं अपने मुक्तिदाता के रूप में, that decision has eternal consequences. उसका नतीजा भी जो है वो आने वाले जीवन पर और सदा के जीवन पर पड़ेगा. 168 years before Jesus was born. और 168 years पहले जब खुदावन यीशु मसीह का जन्म हुआ, there was a man called Antiochus Epiphanes. और एक आदमी जिनका नाम बताया गया है, that name means God manifest.
इसका मतलब है कि खुदावन जो है वो मैनिफेस्ट करता है. He had the spirit of Antichrist. He claimed to be God. और वो व्यक्ति जो उसके अंदर स्पिरिट थी एंटीक्राइस्ट की और वो कहता था कि मैं ही खुदा हूँ. And he set himself up in the temple in Jerusalem and ordered people to worship him. और वो वहाँ पर जाकर यरूशलेम में लोगों को कहता था कि मैं खुदा हूँ, मेरी उपासना करो, मेरी पूजा करो. He sacrificed pigs on the altar, which was a total insult to everything the Bible taught. और वो वहाँ पर जो है परमेश्वर की वेदी पर लाकर सूरों को जो है वो वहाँ पर उन्हें सैक्रिफाइस करता था जो कि प्रभु के वचन के बिल्कुल खिलाफ है. There was one man called Mattathias. और एक आदमी जिसका नाम मैटथायस था. He was the priest in the temple. और वो उस टेंपल में प्रीस्ट था. And he refused to bow down and worship Antiochus Epiphanes. और उसने रिफ्यूज कर दिया था कि ये आदमी जो कि कहता है कि मेरी उपासना करो. He refused to do what everybody else was doing because he wanted to do what God wanted him to do. और वो उसने बिल्कुल इनकार कर दिया था वो सब कुछ करने के लिए जो कि सभी लोग कर रहे थे और उसने वो करने के लिए तैयार था जो कि वो चाहता था. So Antiochus Epiphanes sent a messenger to that man. और ये आदमी जिसका नाम एंटियोकस था इसने जाकर एक संदेश उस आदमी को भेजा. He said you have to bow down now and worship Antiochus and you have to make a sacrifice of a pig on the altar. और उन्होंने कहा कि अभी आकर तुम्हें इस आदमी एंटियोकस के सामने जो है झुकना पड़ेगा, इसे प्रणाम करना पड़ेगा, इसे दंडवित करना पड़ेगा और तुम्हें आना पड़ेगा. He refused and he ran away. और उसने वहां पर रिफ्यूज करा और वो वहां से चला गया. He had five sons and they went with him. और उसके पांच बेटे थे और वो भी उसके साथ चले गए. Mattathias was an old man like me. और Mattathias जो है वो एक बुजुर्ग व्यक्ति था मेरी तरह. He died. वो मर गया. But his sons stood up. लेकिन उसके बेटे जो है वो खड़े हुए. And they said, "We will not bow down to that idol either." उन्होंने कहा कि हम भी इस मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे. And gradually more and more people joined them till they ended up with an army. और फिर धीरे धीरे कर बहुत से लोग जो है उन्होंने उनके साथ ज्वाइन करा और एक आर्मी बन गई. An army called the Maccabees. और एक ऐसी आर्मी जिसका नाम मैकबीज था. Antiochus sent an army to destroy them. They were outnumbered 10-1. और इसी तरह से जो है वो आउटनंबर हो गए. But God performed a miracle and they won that battle. और फिर देखिए कि प्रभु ने चमत्कार करा और वो इतने कम तादाद में होने के बाद भी वो जीत गए. Do you know what they did? आपको मालूम है कि उन्होंने क्या किया? They went back to Jerusalem to the temple that had been defiled. और वो यरूशलेम में वापस गए और उस मंदिर के पास गए जो कि पूरी तरह से नाश हो गया था. When Antiochus had set himself up as God. और जब एंटियोकस ने कहा था कि मैं ही खुदा हूँ. Where pigs had been offered on the altar. और जहाँ पर सूरों को जो है प्रभु की वेदी पर जो है सैक्रिफाइस किया जा रहा था. And they started to clean up the temple. और उन्होंने उस मंदिर की सफाई करनी शुरू करी. And it took months to clean the temple. और वो मंदिर जो है उसे साफ करने के लिए महीनों सालों लग गए. And then they decided to rededicate the temple. और फिर उन्होंने कहा कि इस टेंपल को, इस मंदिर को दोबारा रीडेडिकेट करेंगे. But there was only enough oil to light the lamp in the temple for one day. और उनके पास सिर्फ इतना ही तेल बाकी था जो कि जिससे लैंप को जो है सिर्फ एक दिन के लिए जलाया जा सकता था. They lit the lamp. उन्होंने उस लैंप को जलाया. And a miracle happened. The oil lasted for 8 days. और फिर वहाँ पर चमत्कार हुआ कि वो तेल जो है वो 8 दिन तक चलता ही गया. That's called the feast of dedication, which Jesus celebrated in John chapter 10. और ये feast of dedication है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने जो है हम देखते हैं celebrate करा यूहन्ना की इंजील उसके 10 अध्याय में. In Israel, it began last Sunday and will end next Monday. और हम देखते हैं कि ये last Sunday शुरू हुआ और उसके बाद चलता रहा. They celebrate the rededication. Of the temple. और ये rededication जो है उस मंदिर की celebrate करते हैं. Now I'm going to bring you a challenge, which I'm bringing to myself. और मैं आपके सामने एक चुनौती रखता हूँ जो कि मेरे खुद के लिए भी है. That took place 167 years before Jesus was born. और ये 167 years पहले हुआ था प्रभु यीशु के जन्म से. Have a guess what the date was when they rededicated the temple. और सोचिएगा कि वो डेट क्या थी जब उन्होंने रीडेडिकेट करा था इस टेंपल को. It was the 25th of December. और वो 25 दिसंबर थी. I couldn't think of a better thing to do this Christmas time. और इससे बेहतर चीज मैं सोच ही नहीं पाया क्रिसमस पर. That they get rid of the rubbish in our temples. कि हमारे खुद के मंदिरों में जो आज रविश है हम उसे बाहर निकालें. Because now your body is the temple of the Holy Spirit. क्योंकि आपका जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है. And we all get messed up, me included. और हम सब जो है वो अपने जीवन में ऐसे काम कर देते हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए. So tonight as we consider
और आज की रात जब हम इस बारे में सोचते हैं the decisions we make, things we do have eternal consequences. कि जो चीजें हम अपने जीवन में करते हैं जो फैसले हम अपने जीवन में लेते हैं उसका नतीजा सदा के जीवन के लिए है that those wise men followed the star because 500 years before Daniel had been taken a captive. और हम देखिएगा कि किस तरह से वो मजूसी जो है वो तारे का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंचे जहां खुदा उनका जन्म हुआ क्योंकि दानियल तैयार था वो करने के लिए जो कि प्रभु ने उसे कहा था But in Israel they're celebrating the feast of dedication over 2000 years because one man Mattathias refused to bow down और आज हम देखते हैं कि इजराइल में जो है वो रीडेडिकेशन को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि एक आदमी जिसका नाम मैटथायस था वो उसने इनकार कर दिया था उस आदमी के सामने झुकने के लिए जो कि अपने आप को खुदा मान रहा था God hasn't given up with you. खुदावन ने आप पर हार नहीं मानी है He never gives up with anyone. और वो हम में से किसी पर भी हार नहीं मानता है But maybe he'd be even more pleased with us if we rededicate our temple. और वो हमसे बहुत ज्यादा खुश होता कि अगर हम अपने मंदिरों को जो है वो रीडेडिकेट करें That's the greatest gift we could give to God this Christmas. और ये सबसे ज्यादा बेहतरीन तोहफा है जो कि हम अपने खुदा को दे सकते हैं And I'm going to invite you now to bow your heads and pray. और अब मैं आपको न्योता देता हूँ कि आप अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं On this Christmas Eve. और हम जब क्रिसमस ईव को मना रहे हैं As we look back over this year and we thank God for his faithfulness to us, we are still here and we thank him for that. और हम खुदावन का शुक्र करते हैं उसकी वफादारी के लिए कि हम आज भी इस पृथ्वी पर और हम जीवित हैं But as they rededicated the temple on the 25th of December, so this night I'm going to invite you to rededicate your temple to God. और जिस तरह से 25 दिसंबर को उन लोगों ने रीडेडिकेट करा था अपने मंदिर को खुदावन के सामने आज मैं आपको भी इनवाइट करता हूं कि आप भी अपने जीवनों को खुदावन को रीडेडिकेट करें It's not my brother nor my sister, but it's me, Lord. और आज मेरा भाई नहीं मेरी बहन नहीं बल्कि प्रभु मेरी बात है And if you want to be part of the prayer I'm going to pray I want you to signify that by standing where you are and say Peter include me in this prayer because I want to rededicate my temple to the Lord और अगर आज आप चाहते हैं कि आप ऐसा करें तो आपको इसे दर्शाना होगा और आपको बताना होगा कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं और आप अपने जीवन को खुदावन के हाथों में देना चाहते हैं So if you'll join with me in this prayer, just stand where you are. और अगर आप इस प्रार्थना में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप खड़े हो जाएं आप जहां पर भी हैं And together we'll rededicate our temples to God. Thank you. और एक साथ हम मिलकर अपने मंदिरों को प्रभु के हाथों में देंगे I want you to say this prayer out loud after me. And I really believe that something special is going to happen now. And whether you're watching me on live stream, however you're watching us on social media, wherever you are, whoever you are, I'm inviting you to join us in this prayer. और मेरा ये मानना है कि प्रभु की आज एक योजना है, planning है कि हम आज एक बहुत ही unusual Christmas message को सुन रहे हैं, लेकिन आज खुदावंत आपके जीवन में कुछ खास करना चाहता है। Get rid of the rubbish out of your temple. और आज आपके मंदिरों में जो आज ऐसी चीजें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए आप आज उन्हें यहाँ से बाहर निकाल कर जाएं Pray this prayer after me. मेरे साथ मिलकर इस दुआ को करें Lord Jesus Christ, I thank you for coming into this world, for dying on a cross, for me. Lord Jesus, I dedicate my temple, my body to your service, to your glory. Help me to get rid of the rubbish so you will be pleased with my life and I will spend eternity in heaven with you. Amen. Happy Christmas.